हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो वर्ल्ड एजुकेशन। आज का लेक्चर है हमारा रिलीजन, जो कि पेपर वन का टॉपिक नंबर 5 है। तो आज हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ रिलीजन, जिसमें इवोल्यूशनरी अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच और फंक्शनल अप्रोच को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे मोनोथेइज्म एंड द पॉलीथेइज्म, सेक्रेड एंड प्रोफेन, मिथ्स एंड द रिचुअल्स, और नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ रिलीजन इन ट्राइबल एंड पिजन सोसाइटीज़, जिसमें हम एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, फेथिज्म, नेचुरलिज्म एंड टोटेमिज्म, और फिर रिलीजन, मैजिक एंड साइन डिस्टिंग्विश्ड, और मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज, जिसमें प्राइस्ट, समन, मेडिसिन मैन, सॉर्सरर एंड विच। तो ये पार्ट टू हम डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये पार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। तो जो रिलीजन वर्ड है वो रिलीजियो से बना हुआ है, और जिसका मतलब होता है टू बाइंड टूगेदर। तो हमारे रिलीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो एक यूनिटी प्रोवाइड करता है, कि एक ग्रुप के लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन के कस्टम्स को फॉलो करते हैं और वो उस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और रिलीजन ने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पार्ट प्ले किया है सिंस द एंशियंट पास्ट, जो कि ह्यूमन के थॉट को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो बेसिकली रिलीजन एक एंशियंट टर्म है जो कि लोगों के थॉट को इन्फ्लुएंस करता आ रहा है। अब एंथ्रोपोलॉजी रिलीजन को कैसे देखता है? तो एंथ्रोपोलॉजी रिलीजन को बेसिकली हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखता है, जो कि इसके ओरिजिन और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। और ये रिलीजन को और भी पर्सपेक्टिव से देखता है, और वो होता है फंक्शनल पर्सपेक्टिव, जो कि उसके कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस और मैनिफेस्टेशंस को एक्सप्लोर करता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस के जो एविडेंसेस हैं उसको डिस्कवर किया है, जो कि एसोसिएटेड थे विद द एंशियंट होमोसेपियंस और नियंडरथल्स, जो कि 60,000 साल पहले थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इस चीज़ को डिस्कवर किया है कि जो रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिसेस थे उनका एविडेंस एसोसिएटेड है किसके साथ? एंशियंट होमोसेपियंस के साथ या फिर नियंडरथल के साथ, जो कि 60,000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे। तो रिलीजन जो है एक कल्चरल यूनिवर्सल है, जिसके कुछ स्पेसिफिक बिलीव्स और प्रैक्टिसेस होते हैं जो एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में सिग्निफिकेंटली वैरी करते हैं। तो रिलीजन का कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। एक रिलीजन में उसका फॉर्म कुछ डिफरेंट होता है और दूसरे रिलीजन में उसका फॉर्म कुछ डिफरेंट होता है। अगर हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के प्रॉपर परफॉर्मेंस की बात करें कि इससे हमें क्या प्रॉफिट होता है, इसका क्या यूज़ होता है, तो इसके कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हेल्थ में इसका बेनिफिट होता है, लॉन्ग लाइफ सर्वाइवल में इसका बेनिफिट होता है, चिल्ड्रेन या सोसाइटी कॉन्टिन्यूंस में इसका इम्पॉर्टेंस होता है, मटेरियल वेलबींग में इम्पॉर्टेंस होता है। अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ या ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात करें तो सक्सेस इन हंटिंग में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, रेन के कॉन्सेप्ट में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्रॉप्स अच्छे हों इसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वॉर में विक्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ट्राइबल लाइफ में इन सारे पर्सपेक्टिव से रिलीजन का रोल होता है। एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ई वी टायलर, जिन्होंने एक मिनिमल डिफिनेशन दिया रिलीजन का कि अ बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग। तो जो स्पिरिचुअलिटी में जो बिलीव होता है वही होता है हमारा रिलीजन, और स्पिरिचुअल बीइंग क्या होता है? एनीथिंग इन दैट वी जस्ट ट्रस्ट, वी जस्ट कीप आवर बिलीफ, एंड दैट इज़ द सुपर नेचुरल पावर। इसका क्रिटिसिज्म भी है। इसका क्रिटिसिज्म बेसिकली दो तरीके से है। पहला ये कहता है कि यह रिलीजन के रिचुअल एस्पेक्ट को ये इंक्लूड नहीं करता है,
इनका डेफिनेशन क्या कहता है कि अ बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग। तो इसमें जो पहला क्रिटिसिज्म है ये कहता है कि यहाँ पे रिलीजन के रिचुअल एस्पेक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। दूसरा क्या कहता है, तो दूसरा क्रिटिसिज्म ये कहता है कि यह स्पिरिचुअल बीइंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है, किसको रिफ़र किया गया है ये नहीं बोला गया है। क्या ये एक इंडिविजुअल के प्राइवेट बिलीफ को बोला है, या फिर एक पर्टिकुलर स्मॉल कम्युनिटी के बिलीफ को बोला है, या फिर जो वर्ल्ड वाइड बिलीफ सिस्टम है उसके बारे में बोला है। तो ये कॉन्सेप्ट जो स्पिरिचुअल बीइंग के रेफरेंस में है ये क्लियर नहीं है। एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है एफसी वेलेस, इन्होंने रिलीजन को डिफाइन किया कि द बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस कंसर्न विद द सुपर नेचुरल बींग्स पावर्स एंड फोर्सेस। तो रिलीजन को इन्होंने बताया कि रिलीजन एज बिलीफ और प्रैक्टिस बेसिकली सुपर नेचुरल बींग पावर और फोर्सेस से रिलेटेड होता है, जबकि इनका जो डेफिनेशन है ये टाइलर के डेफिनेशन में एक इम्प्रूवमेंट बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ से क्लियर है कि जो रिलीजन का बिलीफ है वो एक तरीके से या दूसरे तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे रिलीजन को एक बिलीफ या प्रैक्टिस माना गया है जो कि सुपर नेचुरल बींग पावर और फोर्सेस से कंसर्न है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ रिलीजन, और इसमें हमने तीन बेसिकली अप्रोचेस हमें यहाँ डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहला है इवोल्यूशनरी, दूसरा है साइकोलॉजिकल और तीसरा है फंक्शनल। तो जो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है रिलीजन को स्टडी करने का, यह इंक्लूड करता है इवोल्यूशनरी अप्रोच को, जिसे कि ई बी टाइलर ने दिया था। दूसरा जो अप्रोच है जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल या फिर हम सिम्बॉलिक भी बोलते हैं, और इसको दिया था सिगमंड फ्रायड ने। और जो थर्ड अप्रोच है जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल अप्रोच, इसको दिया था मलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने। और इन सारे ही अप्रोचेज में जो रिलीजन का स्टडी हुआ है वो होलिज्म को शो करता है। होलिज्म मीन्स एवरी परस्पेक्टिव ऑफ लाइफ रिलीजन एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशनरी अप्रोच को, इसको ई वी टाइलर ने दिया था और जिन्हें ये माना जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी हैं। इन्होंने अपनी एक बुक प्रिमिटिव कल्चर में एक थेसिस दिया था कि जो एनिमिज्म है ये सबसे अर्लीस्ट इवोल्यूशन है रिलीजन का, और यह सबसे बेसिक फॉर्म भी है रिलीजन का, और इससे पॉलिथिज्म इवॉल्व हुआ है और फाइनली मोनोथिज्म इवॉल्व हुआ है। अब एनिमिज्म क्या होता है, तो एनिमिज्म एक ऐसा बिलीफ होता है जो आप किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट या किसी नेचुरल फिनोमिना या फिर इवन यूनिवर्स में भी आप मानते हो कि सोल एग्जिस्ट करता है। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे किसी ट्री में हम मानते हैं कि वहाँ पे सोल है, उसकी पूजा किया जाता है, मीन्स कि ये एक एनिमिज्म का एक एग्जाम्पल है। हम किसी हिल को मानते हैं, हम किसी एनिमल को मानते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं एनिमिज्म के होते हैं। पॉलीथिज्म में क्या होता है कि जब आप एक से ज़्यादा गॉड में बिलीव करते हो तो ये होता है पॉलीथिज्म। और मोनोथिज्म में क्या होता है कि जब आप एक किसी एक गॉड में बिलीव करते हो तो ये होता है मोनोथिज्म। तो ई बी टाइलर ने बोला कि सबसे पहले एनिमिज्म है, उसके बाद पॉलीथिज्म इवॉल्व हुआ और उसके बाद मोनोथिज्म इवॉल्व हुआ है। जबकि जो टाइलर का इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है, जो इन्होंने ये सीक्वेंस दिया है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ नहीं हो पाया है। जबकि जेम्स फ्रेजर ने बोला है कि मैजिक जो है वो रिलीजन में इन्वॉल्व है, तो जेम्स फ्रेजर ने बेसिकली मैजिक को बताया कि यह रिलीजन में इवॉल्व है, और दुर्खेम ने बताया कि टोटेम जो है वो रिलीजन में इवॉल्व है। तो ये बेसिकली इवोल्यूशनरी अप्रोच था। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजिकल और द सिम्बॉलिक अप्रोच, इसको फ्रायड ने दिया था। और तो इन्होंने इस अप्रोच को समझाने के लिए एक केस स्टडी दिया, और इसके माध्यम से इन्होंने ये बताया कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो एक ग्रुप में रहते थे, और वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप थे। हर ग्रुप जो है वो एक ऑपरेसिव मैन से डोमिनेटेड होता था, जो कि
उस ग्रुप के सारी वीमेंस को अपने पास रखता था। तो फ्रेड ने बताया कि जब उन औरतों से जो बच्चे पैदा हुए, तो जब वो बड़े हुए तो उनको उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया उस ऑपरेसिव मैन के द्वारा। बाद में वो एक साथ आ गए और उन्होंने अपने फादर को मार दिया और उसे खा गए। बट बाद में उन्हें गिल्ट फील हुआ और उन्होंने उस गिल्ट को फील करने के लिए एक टोटेमिक एनिमल का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे कि वो मार नहीं सकते थे, और वो उस फादर का सब्स्टिट्यूट हो गया। तो पहले तो उन्होंने फादर को मारा, फिर उन्हें गिल्ट फील हुआ, और फिर इन्होंने एक सेक्रेट एनिमल का कॉन्सेप्ट दिया, किसी भी एनिमल को उन्होंने सेक्रेट मान लिया कि वो इसको नहीं मारेंगे क्योंकि यह एक फादर का सब्स्टिट्यूट है, मीन्स कि वो एज अ फादर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इन्होंने। फिर जो फ्रेड का मानना था कि जो यह अर्ली बिलीफ था, ये धीरे धीरे वर्शिप में ट्रांसफॉर्म हो गया, और वर्शिप किसका? डेटी या गॉड्स का, जो कि उसके फादर के पीछे बनाया गया था। मीन्स कि जिस भी टोटेमिक एनिमल या फिर ट्री का ये कॉन्सेप्ट दिया गया वहाँ पे, वो धीरे धीरे वर्शिप में कन्वर्ट हो गया और यह एक रिलीजन के पार्ट में आ गया और लोगों ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। फ्रेड का जो इंटरप्रिटेशन है, ये मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज के टाइम पे एक एक्सेप्टेड या एग्रीड एक आइडिया माना जाता है कि जो इन्फेंसी का इवेंट होता है, मीन्स कि अगर कोई बच्चा छोटा इन्फेंट होता है, तो उसके बिलीफ और प्रैक्टिसेस का जो इफ़ेक्ट होता है वो एडल्ट टाइप में ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और पावरफुल होता है। अब चिल्ड्रन क्या होते हैं कि वो हेल्पलेस होते हैं और वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अपने पैदा होने के लगभग 15 साल तक वो लगभग डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को ही ऑल नोइंग और ऑल पावरफुल मान लेते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी होती है, वो उनके हर इच्छाओं को पेरेंट्स फुलफ़िल करते हैं। उन्हें भूख लगती है तो पेरेंट्स से वो बोलते हैं, पेरेंट्स उन्हें खाना देते हैं, पानी देते हैं, तो ये एक डिपेंडेंसी जो है वो उनको ऑल नोइंग और ऑल पावरफुल बनाता है। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो अपने बचपन का जो एक अनकॉन्सियस जो थॉट था कि सुपरनेचुरल और ये सारी चीज़ें जो है वो फादर एंड मदर पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं, तो अपने चाइल्डहुड फीलिंग को सर्च करने की कोशिश करते हैं जब उनके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, और जो वैक्यूम क्रिएट होता है, क्योंकि पहले पेरेंट्स उनके लिए हर चीज़ करते थे, अब वो वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो उस वैक्यूम को डिस्प्लेस करने के लिए वो उस पावरफुल एनर्जी को सर्च करते हैं, और उस कंडीशन में वो गॉड या मैजिक के साइड इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि वो खुद उस चीज़ को कर नहीं सकते जो कि उनके पेरेंट्स उनके देखभाल के लिए करते थे उनकी ज़रूरतों के टाइम में। मीन्स कि जब वो बच्चे थे, इन्फेंसी या चाइल्डहुड डेज में थे, तो उनके जो नीड्स को पूरा करने के लिए पेरेंट्स करते थे, वो उस टाइम पे फुलफ़िल हो नहीं पाता है, और इसके लिए वो गॉड या मैजिक के साइड वो इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल या सिम्बॉलिक अप्रोच हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं फंक्शनल अप्रोच के बारे में। फंक्शनल अप्रोच बेसिकली एक पॉजिटिव वे का अप्रोच है। इस अप्रोच से वो देखते हैं कि रिलीजन जो है एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है सोसाइटी में हारमोनी और सोशल कोहेजन को मेंटेन करने के लिए, मीन्स कि एक यूनिटी को डिस्प्ले करता है। तो फंक्शनलिज्म एक वैल्यू कंसेंसस थ्योरी है, और फंक्शनलिस्ट जो है वो रिलीजन को एक पॉजिटिव रोल में देखते हैं, जो कि सोशल हारमोनी को प्रमोट करता है और सोसाइटी को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। और इसीलिए जो फंक्शनलिस्ट हैं वो सोशल और साइकोलॉजिकल फंक्शन में इंटरेस्टेड रहते हैं, जो कि रिलीजन परफॉर्म करता है, वो किसके लिए? इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए। और रिलीजन एक अपने आप में एक पार्ट है जो और भी जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ मिल करके फंक्शन करता है। तो रिलीजन लाइफ के हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, और लाइफ के अदर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, मैरिज या कोई भी अदर कॉन्सेप्ट होता है, तो वहाँ रिलीजन उसके साथ फंक्शन करता है और एक सोसाइटी में हारमोनी और सोशल सॉलिडैरिटी क्रिएट करता है।
मॉल्विनस की और रेडक्लिफ ब्राउन दोनों ही फंक्शनलिस्ट हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स पे इनके व्यूज़ डिफरेंट हो जाते हैं। मॉल्विनस्की का मानना है कि जो इंडिविजुअल की नीड होती है वो कल्चर के द्वारा फुलफ़िल की जाती है और इसीलिए सोसाइटी कंटिन्यू करती है, जबकि रेडक्लिफ ब्राउन का मानना था कि जब सोशल नीड्स फुलफ़िल होती है तो इंडिविजुअल की भी नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं और इसीलिए सोसाइटी कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों लोग फंक्शनलिस्ट हैं लेकिन मॉल्विनस्की इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं और रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो एक सोशल अप्रोच लेकर चल रहे हैं कि सोशल नीड के थ्रू ही सोसाइटी कंटिन्यू रहती है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि मॉल्विनस्की का अप्रोच क्या था। तो इन्होंने ट्रोबरियन आइलैंडर के रेफरेंस में रिलीजन के फंक्शनल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया है और इन्होंने बताया कि रिलीजन जो है वो बहुत सारे इमोशनल स्टेट से कनेक्टेड रहता है और इमोशनल स्टेट्स में स्टेट ऑफ टेंशन होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पे। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ट्रोबरियन आइलैंडर में जब वहाँ के लोग फिशिंग एक्सपीडिशन पे जाते हैं उन्हें एक डर रहता है, एक स्टेट ऑफ फियर होता है कि कोई डिजास्टर आ सकता है समुद्र में और इसके आउटकम के लिए वो बेसिकली अपने मैजिकल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं। सिमिलरली हेट ग्रीड एंगर लाफ ये डिफरेंट सिचुएशंस मैन के लाइफ में क्रिएट हो सकती है और ये सिचुएशंस जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्रिएट करती हैं और अगर ये बहुत लॉन्ग टाइम तक इन चीज़ों को सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो वो हर तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो बेसिकली मॉल्विनस्की के अप्रोच में जो एग्जांपल इन्होंने दिया कि लोग अपने फियर दबाने के लिए, क्योंकि फियर से स्ट्रेस क्रिएट होता है और स्ट्रेस से उनकी लाइफ जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए वो मैजिकल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को एक्टिव इंडिविजुअल रहना पड़ता है और अगर वो इमोशनली अपसेट है तो वो उसका एक्शन पॉसिबल नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकता है। तो इस सिचुएशन में रिलीजन जो है एक टूल की तरह काम करती है और इसका पर्पस होता है कि जो स्ट्रेस या स्ट्रेन क्रिएट हुआ है उसको कम करना और इस वजह से ये इसका एक सॉल्यूशन होता है स्ट्रेस या स्ट्रेन को कम करने में। तो यहाँ पे मैन और सुपरनेचुरल पावर के बीच में एडजस्टमेंट होता है रिगार्डिंग द अपसेट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दैट इज़ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इट इज़ अ डिवाइस टू सिक्योर द मेंटल एंड द फिजिकल स्टेबिलिटी इन द इंडिविजुअल्स लाइफ। तो ये एक डिवाइस की तरह काम करती है जो कि लोगों के मेंटल और फिजिकल स्टेबिलिटी को सिक्योर करती है। तो ये मॉल्विनस्की का अप्रोच था। अब हम रेडक्लिफ ब्राउन के अप्रोच को डिस्कस करते हैं। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने सोसाइटी के अप्रोच को लिया था, तो इन्होंने एक डिफरेंट स्टैंड लिया था और इन्होंने बताया कि जो रिलीजन का फंक्शन है वो फियर और इमोशनल स्ट्रेन से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के डिपेंडेंस से रिलेटेड है। मीन्स कि इन्होंने सोसाइटी स्पेसिफिक बातें की हैं, तो इन्होंने सोसाइटी को लेकर डिस्कस किया, इन्होंने फियर और इमोशनल स्ट्रेन के बारे में डिस्कस नहीं किया जैसा कि मॉल्विनस्की ने बोला था। इन्होंने बोला कि जो ग्रुप का सर्वाइवल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल के सर्वाइवल से, क्योंकि अगर सोसाइटी सर्वाइव करती है तो ही इंडिविजुअल का भी सर्वाइवल पॉसिबल है। और अगर एक इंडिविजुअल अगर अपना इंडिविजुअल कोर्स ऑफ एक्शन को देखता है तो यहाँ पे एक एक्सट्रीम कन्फ्यूज़न या चाओस क्रिएट हो जाएगा, एक अराजकता क्रिएट हो जाएगी और जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी नहीं पॉसिबल हो पाएगी। तो अगर एक इंडिविजुअल किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को करता है तो वहाँ पे एक एक्सट्रीम कन्फ्यूज़न या चाओस क्रिएट हो जाता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी नहीं होगी। इसलिए जो नॉर्म्स या बिहेवियर का एडेरेंस होता है वो सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए सोसाइटी स्पेसिफिक अगर कोई नॉर्म है या बिहेवियर है उसका पालन करना
उस इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इसेंशियल हो जाता है। और ये जो एडहेरेंस क्रिएट होता है, ये कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल कंट्रोल या उसके पनिशमेंट के डर से क्रिएट होता है। इसलिए जो रिलीजन का फंक्शन है वो टू फोल्ड फीलिंग ऑफ डिपेंडेंस क्रिएट करता है सोसाइटी पर, और इसलिए वो इंडिविजुअल के कंकरेंस को कंसीडर करता है विद द सोशल नॉर्म्स, और इसका अल्टीमेट जो गोल होता है वो सोशल सर्वाइवल होता है। तो इस तरीके से जो रिलीजन का फंक्शन है वो एक टोटल एक्टिविटी में इसके कंट्रीब्यूशन को क्रिएट करता है जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। तो इंडिविजुअल का जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से जुड़ा हुआ है और ये उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रेडक्लिफ का अप्रोच था। अब हम डिस्कस करते हैं मोनोथीज़म पॉलीथीज़म। तो मोनोथीज़म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ़ गॉड के फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है कि जो फॉलोअर्स हैं वो कितने गॉड को फॉलो करते हैं। अगर किसी एक गॉड को फॉलो किया जाएगा तो वहाँ पे वो मोनोथीज़म का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, यहाँ पे मोनोथीज़म का कॉन्सेप्ट होता है। और ये सारे मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स के एग्जाम्पल्स हैं। और अगर एक से ज़्यादा गॉड में अगर बिलीव किया जाए तो वहाँ होता है पॉलीथीज़म, जो कि हिंदुइज्म में पाया जाता है। आज के टाइम पे अबाउट हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन प्रैक्टिस द वन फॉर्म ऑफ मोनोथीज़म और अनदर। तो वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन है वो किसी न किसी फॉर्म में मोनोथीज़म को फॉलो कर रही है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ह्यूमन हिस्ट्री में मोनोथीज़म का कॉन्सेप्ट थोड़ा अनपॉपुलर था, क्योंकि जो वर्ल्ड का रिलीजन था पॉलीथेइस्टिक था, मीन्स कि वो कलेक्शन ऑफ गॉड की वर्शिप करते थे जिनको हम पैंथियन के नाम से जानते हैं। मीन्स कि इस कॉन्सेप्ट को हम पैंथियन बोलते हैं बेसिकली। और ये जो गॉड थे ये हर शेप या साइज में आए, जो कि एनिमिस्टिक स्पिरिट की हम जो बात कर रहे थे, जिसमें कि नेचुरल फोर्सेज आती हैं जैसे कि एनिमल, ट्री या रिवर्स। तो ये सारे जो है एक एनिमिस्टिक स्पिरिट जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में एग्जिस्ट करता था, और वहाँ पे पॉलीथीज़म का कॉन्सेप्ट था, मोनोथीज़म का कॉन्सेप्ट बहुत कम था। अब मोनोथीज़म के टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली मोनोथीज़म को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है बेसिक मोनोथीज़म, यहाँ पे एक गॉड में बिलीव किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये जो अदर बिलीव्स होते हैं उसको रिजेक्ट कर देता है, और वो अदर ऑल अदर रिलीजन्स को फॉल्स मानता है। तो ये बेसिक मोनोथीज़म का कॉन्सेप्ट है। एक्सक्लूसिव मोनोथीज़म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सिर्फ एक गॉड को मानता है कि एक गॉड एग्जिस्ट करता है, और इसके अलावा कोई गॉड एग्जिस्ट करता है तो गलत है या फिर वो डेमोन है, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या जुडाइज़म। तो ये सारे जो रिलीजन हैं ये एक्सक्लूसिव मोनोथीज़म में आते हैं। एक्सक्लूसिव मोनोथीज़म में भी दो पार्ट होते हैं, जैसे हम एथिकल मोनोथीज़म और इंटेलेक्चुअल मोनोथीज़म में हम डिवाइड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बस जानना आपको ज़रूरी है, इसका एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। थर्ड जो है वो प्लूरीफॉर्म मोनोथीज़म होता है। तो यहाँ पे एक मेन गॉड होते हैं और जो अदर गॉड्स होते हैं उनको मेन गॉड का मैनिफेस्टेशंस माना जाता है, जैसे कोथ ऑफ न्यूर की बात करते हैं। फोर्थ वन इज़ द रिलीजियस ड्यूलिज्म। तो कुछ रिलीजन्स जो है ड्यूलिस्टिक होते हैं, वो दो बेसिक फीचर्स को कंपेयर करते हैं जो कि यूनिवर्सल गुड और यूनिवर्सल बैड है। तो बेसिकली गुड वर्सेस बैड का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। तो ये रिलीजियस ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। गुड में वो गॉड को मानेंगे और बैड में वो डेमोन स्पिरिट या फिजिकल मैटर्स, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये गॉड वर्सेस एंटी गॉड का कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं और ये बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉलीथिज़म, जहाँ पे बहुत सारे गॉड में बिलीफ होता है पॉलीथिज़म होता है। तो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और इस्लाम को छोड़कर जितने भी रिलीजन हैं वो पॉलीथिज़म में आते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये मेनी डेमोनिक फोर्सेस में बिलीव करते हैं विद एडिशन टू गॉड्स। तो यहाँ गॉड भी होते हैं और यहाँ डेमोनिक फोर्सेस भी होते हैं, मीन्स कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इनके हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो हेनोथीज़म होता है, तो यहाँ पे एक मेन गॉड होता है जिसमें बिलीफ होता है, उसके साथ साथ अदर गॉड्स को भी ग्रांटेड होता है, जैसे कि वैदिक हिम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो वैदिक जो मंत्र थे उसमें एक गॉड के साथ साथ दूसरे गॉड को भी ग्रांट किया गया है। कैथनोथीज़म की बात करें तो यहाँ पे वेरियस गॉड्स की एक साथ पूजा होती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कैथनोथीज़म का।
थर्ड वन इज़ द अनलिमिटेड पॉलीथेइज्म। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट गॉड को डिफरेंट नेम और फॉर्म में माना जाता है, जिनको एक दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे गॉड्स के साथ साथ बहुत सारे डेमोन्स भी होते हैं, जैसा कि जो क्लासिकल रिलीजन है ग्रीस का, रोम का और इंडिया का। तो यहाँ पे अनलिमिटेड पॉलीथेइज्म का कॉन्सेप्ट आता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्रेट एंड प्रोफेन के बारे में। तो दुर्खम ने अपने एक फेमस बुक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो कि 1912 में लाया था, इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को दिया था, वो था सेक्रेट और प्रोफेन, जो कि अभी भी यूज़ किए जाते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्कस किए जाते हैं जब भी हम प्रिमिटिव रिलीजन की स्टडी करते हैं। और दुर्खिम ने कंसीडर किया था कि ये जो दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं, ये रिलीजन को समझने के लिए एक सेंट्रल पॉइंट का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्रेट के बारे में। तो सेक्रेट जो है एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, सेक्रेस से, जिसका मतलब होता है प्योर विद द रिलीजियस सैंक्टिटी। तो यहाँ पे एक रिलीजियस सैंक्शन लगाया जा रहा है और वो प्योर भी है। तो सुपर नेचुरल बींग एंड द फोर्सेज आर कंसिडर्ड टू बी द होली एंड दस दे आर ट्रीटेड एज द सेक्रेट। तो जो सुपर नेचुरल बींग हैं वो होली कंसिडर की जाती हैं और उन्हें सेक्रेट ट्रीट किया जाता है। दुर्खिम का ओपिनियन था कि रिलीजन में सिर्फ सेक्रेट बिलीफ होते हैं और वो बिलीफ जो गॉड से कनेक्टेड होते हैं या फिर डिटीज से कनेक्टेड होते हैं, और वो एक्चुअली में सोसाइटी के सिंबल का काम करते हैं। और उनका ये भी मानना था कि जो सेक्रेट जो इनकम्पैसेज होते हैं वो सिर्फ गॉड में ही नहीं होते, मीन्स कि जो गुड कॉन्सेप्ट है रिलीजन का, जो हम गॉड मान रहे हैं, उसमें ही नहीं होता है, बल्कि वो एविल्स और एम्प्योर में, मीन्स डेमोन्स में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये दुर्खिम का कॉन्सेप्ट था। अब हम एम्प्योर सेक्रेट की बात कर रहे हैं, तो दुर्खिम ने बोला था कि निगेटिव कॉन्सेप्ट है वो एक सोशल रियलिटी है, और उनके लिए जो प्योर और इम्प्योर है वो दोनों ही सेक्रेटनेस से कनेक्टेड हैं, और यही चीज़ प्रोफेन को डिफरेंशिएट करती है एवरीडे रियलिटी से। तो बेसिकली जो इम्प्योर और प्योर सेक्रेट का कॉन्सेप्ट है, ये प्रोफेन के डेफिनेशन से डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। और उन्होंने ये बताया था कि हर सोसाइटी में एक सेक्रेट बिलीफ होता है, सिंबल होता है, रिचुअल होता है, जो कि ऑर्डिनरी या फिर प्रोफेन इवेंट से डिफरेंशिएट करता है। प्रोफेन क्या होता है? प्रोफेन ना एक रियलिटी टाइप की चीज़ें होती हैं, और जो सेक्रेड होता है वो बेसिकली एक हाइपोथेटिकल या सुपर नेचुरल काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पर प्रोफेन को देखें तो प्रोफेन का मतलब होता है मंडेन, और इसका मतलब ये होता है कि जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, सांसारिक जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये वर्ल्डली अफेयर से कनेक्टेड होता है। तो दुर्खिम ने सजेस्ट किया था कि रिलीजन जो है वो सेक्रेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मैजिक और स्यूडो साइंस जो होता है वो प्रोफेन का पार्ट होता है। तो मैजिक या स्यूडो साइंस को माना जाता है कि एक रियलिटी में एक चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, इनका प्रूफ होता है, तो ये प्रोफेन में आता है। और जो भी चीज़ सेक्रेट नहीं है वो प्रोफेन है, और इसीलिए प्रोफेन बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो सेक्रेट नहीं होती हैं और वो रिलीजन का पार्ट भी नहीं होती हैं। मलिनोवस्की ने भी बोला था इस बारे में कि जो रिलीजन और मैजिक है वो सेक्रेट के पार्ट होते हैं और साइंस जो है वो प्रोफेन का पार्ट होता है। सेक्रेट और प्रोफेन जो है वो होली और कॉमन दोनों ही हैं। सेक्रेट जो है वो रिलीजियस होता है, जबकि प्रोफेन जो है वो नॉन रिलीजियस होता है। दुर्खिम ने बोला था कि सेक्रेट जो है प्रोफेन से सुपीरियर है। किस मामले में? डिग्निटी और सीरियसनेस के मामले में। और इसलिए इन्होंने बोला था कि रिलीजन जो है वो सेक्रेट के टर्म्स में ही डिफाइन किया जाता है, क्योंकि सेक्रेट सुपीरियर है। सेक्रेट और प्रोफेन एक साथ एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं एक टाइम पे। तो कुछ स्पेशल टाइम और प्लेस होता है रिलीजन और रिचुअल्स के लिए, जो कि उसे सेक्रेट बनाता है, क्योंकि रिलीजन और रिचुअल सेक्रेट थिंग्स होती हैं। अब हम मिथ्स और रिचुअल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मिथ क्या होता है कि एक सिंबॉलिक नरेशन होता है एक अननोन ओरिजिन या पार्टी ट्रेडिशनल का, जो कि एक एक्चुअल इवेंट से रिलेटेड होता है या किसी रिलीजियस बिलीफ से कनेक्टेड होता है, या कुछ गॉड या सुपर ह्यूमन को इन्वॉल्व करता है जो कि किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अनस्पेसिफाइड है। तो मिथ्स है तो अनस्पेसिफाइड होगा।
जहाँ पे हम मिथ्स की स्टडी करते हैं वो होता है माइथोलॉजी। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो एक ग्रीक वर्ड माइथोस से बना है जिसका मतलब होता है फिक्शन या स्टोरी। तो अगर फिक्शन की ही बात आ गई तो रियलिटी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, एक फिक्सियस चीज़ होती है, एक हिस्टोरिकल चीज़ होती है, मीन्स कि जहाँ स्टोरी फॉर्म में चीज़ें होती हैं। इसके करेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं तो यह हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और यह किसी भी ह्यूमन कल्चर के कल्चर का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। मिथ्स के बेस पे ही कोई ना कोई ह्यूमन कल्चर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रेटर वैरायटी के मिथ्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको जनरलाइज करना बेसिकली बहुत हार्ड होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब हम मिथ्स के फंक्शन को देख लेते हैं तो बेसिकली ये फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता है कि कोई भी चीज़ नेचुरल है या कल्चरल है। जैसे हम अब ना कि ट्राइब की बात करें जो कि नॉर्थ अमेरिकन इंडियन ट्राइब है, वहाँ पे जो कॉर्न का ओरिजिन होता है वो एक मिथ माना जाता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो जस्टिफिकेशन और द वैलिडेशन। तो जो रिचुअल या कल्टिक कस्टम्स होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन वो मिथ का फंक्शन होता है। जो इंडोनेशियन आइलैंड है वहाँ पे अर्थ पे लाइफ के ओरिजिन के बारे में बताया गया है, तो एक मिथ है कि वहाँ से लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। थर्ड फंक्शन है डिस्क्रिप्शन। ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि वॉट पीपल कैन एवर सी फॉर देमसेल्व्स, जैसे ओरिजिन ऑफ वर्ड या एंड ऑफ वर्ड। एग्जाम्पल देखें तो ये है कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के जो मिथ होते हैं ये इसको डिफाइन करते हैं कि हाँ ओरिजिन ऑफ वर्ड या एंड ऑफ वर्ड क्या है। नेक्स्ट वन इज़ द हीलिंग एंड द इंस्पायरेशन। तो अगर हम नवाजो इंडियंस ऑफ द नॉर्थ अमेरिका के ट्राइब्स की बात करें तो जब भी कोई इंडिविजुअल अगर बीमार पड़ता है तो यहाँ पे भी मिथ्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये बेसिकली उसके हीलिंग मीन्स कि अगर वो सिक हो रहा है तो उसकी हीलिंग और इंस्पिरेशन फॉर वर्शिप द सुपर नेचुरल। नेक्स्ट हम रिचुअल की बात कर लेते हैं तो ये एक सेरेमोनियल एक्ट होता है जो कि किसी भी ट्रेडिशन या फिर सासुडोटल या प्रेस्टली डिग्री होता है। तो ह्यूमन एक रिचुअल बीइंग है और रिचुअल बीइंग कैसा है क्योंकि उसके वर्बल बिहेवियर और रिचुअल को पैरेलल देखा जाता है। अगर हम रिलीजियस रिचुअल की बात करें तो ये एक ऐसा एक्ट होता है जो कि रिलीजियस सिंबल्स के मैनिपुलेशन को इन्वॉल्व करता है। और यहाँ ये दो तरह के होते हैं, वर्बल जिसमें कि हम गॉड या स्पिरिट या फ्रेज या सॉन्ग्स को हम देखते हैं, और जो नॉन वर्बल होता है या मटेरियल होता है जैसे कि स्टैचूज, पेंटिंग्स या कस्टम्स, तो ये नॉन वर्बल में आती हैं। अब हम रिचुअल्स के टाइप्स को देखते हैं। इसमें आता है इमिटेटिव रिचुअल कि इसमें जो है इसको पैटर्न किया जाता है आफ्टर द मिथ। जिस रिचुअल को मिथ के हिसाब से पैटर्न किया जाता है वो होता है इमिटेटिव रिचुअल, जैसे रिचुअल ऑफ न्यू ईयर या स्टोरी ऑफ क्रिएशन की हम बात करते हैं। पॉजिटिव या निगेटिव रिचुअल की बात करेंगे तो पॉजिटिव जो होता है रिन्यूइंग रिचुअल होता है, और निगेटिव रिचुअल जो होता है वो अवॉइडेंस को इंक्लूड करता है जिसमें कि ताबू आता है। सेक्रीफेशियल रिचुअल की बात करें तो ये अर्लीस्ट या एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन था, जहाँ पे सेक्रीफाइस की बात की जा रही थी, कैसे सेक्रीफाइस करना है। लाइफ क्राइसिस रिचुअल की बात कर लें तो यह लाइफ के एक डोमेन से दूसरे डोमेन के जितने भी रिचुअल्स होते हैं उसको इंक्लूड करता है, जैसे बर्थ का रिचुअल हो गया, पॉवर्टी का रिचुअल हो गया, मैरिज का रिचुअल हो गया या डेथ का रिचुअल हो गया। तो ये बेसिकली रिचुअल्स में आते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसमें टॉपिक्स रह गए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।